हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खबर। देखा जाए उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के करीब 11,000 पदों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत कई सारे पद आते हैं, जिसमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार और कनिष्ठ लिपिक जैसे पद इसमें शामिल हैं। साथ ही इसमें कुछ नए पदों को सृजित करने और पदोन्नत को लेकर भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो आज हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर यहाँ पे पूरा देखें। और कितने पदों को लेकर के, यानी किस किस पद को लेकर कितनी वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है, इन पदों को कैसे भरा जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे निर्देश क्या दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी इस पर आ चुका है चर्चा में, जिसके कारण ये बना है कि राजस्व विभाग के करीब 11,000 पदों पे भर्ती को लेकर के सीएम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पदोन्नत प्रक्रिया को शुरू करने, निदेशक प्रशिक्षण का पद देखिए सृजित करने के भी यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। यानी जो प्रक्रियाएं लंबित थी उन्हें वापस से त्वरित करने, जो पदोन्नत प्रक्रिया नहीं आपको अपनाई नहीं गई उसे आगे बढ़ाने को लेकर के, और जो यहाँ पे पद नहीं भरे गए हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, उनको तेजी से भरने के निर्देश हैं। अगर हम बात करें जो पद यहाँ पर हैं, जो अनुमानित पदों की बात करें, जैसे लेखपाल के करीब 7,000 पदों की अभी अनुमानित स्थिति है, राजस्व निरीक्षक के 1,000 हैं, कानूनगो के 1,200 हैं, नायब तहसीलदार के 300, कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पद यहाँ पर आपको खाली हैं। सभी को मिलाकर करीब 11,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके डिटेल से यहाँ पर जानकारी को समझने का प्रयास करें तो इसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत यानी लेखपाल सहित अगर हम बाकी पदों को देखें तो ये 8,700 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश में दिए गए हैं इसमें कौन कौन से पद खाली हैं। लेखपाल के हैं, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लिपिकी संवर के पदों को भरा जाएगा। सभी को मिलाकर करीब 8,700 पद यहाँ पर आपको या उससे ज़्यादा भी आपको खाली इसमें दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग पदों की संख्या भी हमने यहां पर देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह भी कह रहे हैं कि इन पदों को तेजी से भरा जाए, जिससे बेरोजगार जो युवा हैं या जो लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यहां पर जॉब मिल सके, तो युवाओं की भर्ती को यहां पर बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा राजस्व विभाग में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, लिपिक संवर के पदों को भरा जाए। प्रक्रिया यहां पर तुरंत प्रारंभ की जाए, यानी कि ज्यादा लेट लतीफी इसमें ना की जाए। और जो वर्तमान यहाँ पे लेखपालों के करीब देखा है 1,700, राजस्व निरीक्षक के 700, नायब तहसीलदारों के 300 पद खाली हैं, जिन्हें यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने पर एक क्लैरिटी हमें मिलेगी कितने पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें कई अन्य पद भी यहाँ पर वर्तमान समय में खाली हैं और पदोन्नत भी वहाँ पर रुकी हुई है। उसको लेकर अगर हम देखें तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पदों को लेकर के जहाँ पदोन्नति लंबित है वहाँ तत्काल प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश में शामिल हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत देखें तो बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण क्षेत्रों, बंदोबस्त आयुक्त नगरीय और निदेशक प्रशिक्षण के नवीन पद सृजित करने की भी यहां पर जरूरत बताई गई। यानी कि नए गवर्नमेंट जॉब्स भी यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं और वहां पर भी आपको या तो पदोन्नत के माध्यम से या एग्जाम्स के माध्यम से इन्हें भरा जाएगा। शुक्रवार को देखा है तो उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज के निरीक्षण के दौरान यहाँ पर मानव संसाधन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश यहाँ पर दिए गए। वही राजस्व विभाग के कार्यों की अगर हम बात करेंगे कौन कौन से कार्य इन पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, खतौनी, घरौनी, सर्वे, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण कार्य जो हैं समग्र रूप से निस्तारण हो सके, इसलिए इन पदों को भरा जाना भी आवश्यक है। इसके लिए न केवल विभाग के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों की जरूरत है, बल्कि आवश्यकता अनुसार नए पदों के सृजन की भी यहां पर जरूरत है, जिसको लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के करीब 11,000 पदों को भरा जाएगा और इसको लेकर के निर्देश मिल गए, यानी कि नोटिफिकेशन और बाकी जो जानकारी है आयोग की तरफ से जल्दी ही यहां पर आपको अपडेट की जाएगी। एग्जाम से लेकर लगातार अपडेट न्यूज को लेकर आप चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि लगातार आपको इसके बारे में मैं यहां पर अपडेट करता रहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।